Hello friends, welcome to lecture 2 of electrostatics. जैसे कि lecture 1 में हमने charge और उसकी properties के बारे में पढ़ा था, आज उसके आगे हम methods of charging के बारे में पढ़ेंगे. Methods of charging, एक body को किस तरह से charge किया जा सकता है. सबसे पहला method आता है charging by rubbing. दो bodies को जब एक दूसरे के साथ rub किया जाता है, तो हम जानते हैं फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन के कारण जो हीट पैदा होता है उससे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है. इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो जिस फ्रिक्शन से हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो इनफ होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए. जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाती है और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर जाती है. हम बचपन से ही एग्जाम्पल पढ़ते आए हैं, जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज आता है. इसी तरह जब हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव और फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है बराबर का. जैसे जितना एक बॉडी लूज करेगा उतना ही दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी, तो चार्ज जितना पॉजिटिव का उतना ही नेगेटिव का पैदा होगा. इसी तरह दूसरा मेथड आता है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब होता है दो बॉडीज को डायरेक्ट आपस में जोड़ना. जब दो आइडेंटिकल बॉडीज, आइडेंटिकल का मतलब जिनका शेप सेम हो, साइज बराबर का हो और एक ही मटेरियल के बने हो, जब उनको आपस में टच किया जाता है या जोड़ा जाता है तो जो टोटल चार्ज होता है एक बॉडी पे या दोनों पे, जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वली आपस में शेयर हो जाता है. आपको ये चीज़ एक एग्जांपल से जल्दी क्लियर हो जाएगा. अगर हम एक अनचार्ज्ड बॉडी की बात करें जिसको हम न्यूट्रल बॉडी भी कहते हैं, तो उसमें टोटल चार्ज जीरो मानते हैं, जैसे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर के होते हैं. यहाँ पे मैं दो बॉडीज ले रहा हूँ, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है. ए के ऊपर चार्ज है क्यू वन, बी पे चार्ज है क्यू टू. जैसे ही मैंने दोनों को आपस में टच किया तो दोनों पे टोटल चार्ज मिला के बन गया क्यू वन प्लस क्यू टू. जब दोनों को बाद में सेपरेट किया गया तो ए पे चार्ज आएगा टोटल का आधा, इस पे भी टोटल का आधा, दैट इज क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू. तो यहाँ से हमने सीखा कि चार्ज जो टोटल होगा वो बराबरी में बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड द बॉडीज मस्ट बी आइडेंटिकल. इसको और ईजी समझने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ. हम तीन आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स लेते हैं ए बी एंड सी. ए के ऊपर चार्ज है क्यू, बी पे चार्ज है टू क्यू और सी अनचार्ज्ड है, मतलब सी पे कोई चार्ज नहीं है अभी. सी को पहले टच किया गया ए के साथ एंड रिमूव्ड, देन टच टू बी एंड वी आर नीड टू फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन ए बी एंड सी. जैसे कि आप जानते हैं ए पे चार्ज था क्यू, बी पे चार्ज था टू क्यू और सी पे कोई चार्ज नहीं था, तो स्टेटमेंट के हिसाब से जब सी को ए के साथ टच किया गया तो टोटल चार्ज देखिए क्यू प्लस जीरो, तो उसका जब आधा करेंगे तो ए पे चार्ज आएगा क्यू बाय टू और सी पे भी चार्ज आएगा क्यू बाय टू, क्योंकि टोटल चार्ज बना था क्यू, तो मिला के बन गया क्यू बाय टू और क्यू बाय टू. अब सी वाली बॉडी को दोबारा टच किया गया है बी बॉडी के साथ. अब हम जानते हैं सी बॉडी के ऊपर चार्ज आ चुका है. जब सी को बी के साथ टच किया गया तो बी पे चार्ज था टू क्यू और सी पे चार्ज था क्यू बाय टू, तो टोटल चार्ज मिला के बन गया फाइव क्यू बाय टू. जब इनको जोड़ने के बाद सेपरेट किया गया तो इसका भी आधा हो जाएगा, दैट इज फाइव क्यू बाय फोर एंड फाइव क्यू बाय फोर. तो जैसे स्टेटमेंट में पूछा गया था कि फाइनल चार्जेज ऑन ए बी एंड सी, तो हम देखेंगे ए पे चार्ज आया फाइनल क्यू बाय टू, बी पे क्यू बाय फोर एंड सी पे फाइव क्यू बाय फोर. बी और सी पे फाइनल चार्जेस सेम रहे और ए पे क्यू बाय टू हो गया. ये था एक मेथड जिससे हम कंडक्शन करते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. तीसरा मेथड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब है दो बॉडीज को आपस में टच नहीं करना है. इसमें एक बॉडी को दूसरे बॉडी के पास लेके आना है, उसके नियर रखना है, प्रोवाइडेड जो दूसरी बॉडी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम जब भी इंडक्शन कराएंगे, इंडक्शन में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हम जोन सा चार्ज हम लेके आते हैं उसके ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है.
हम यहाँ पे इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे। ये एक मेटालिक सफेयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस आपस में बैलेंस्ड है, मतलब ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको पॉजिटिवली बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ तो इसके पास मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया, इसके पास लाके रखा, जिससे इफेक्ट हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए। इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है और इस नेगेटिव के कारण दूसरे वाला नेगेटिव रिपेल हो गया। जैसे ही हमने इसकी बात की, इसको पास में रखे रखे ही हमने दूसरी तरफ से मेटालिक सफेयर का हमने अर्थिंग कर दिया। ये अर्थिंग का सिंबल होता है जिससे सारे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ चले गए। अभी भी इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे गए, उसके बाद हमने ये रॉड को उसके पास ही रखा जिसने पॉजिटिव चार्जेस को पकड़ के रखा हुआ, और हमने अर्थिंग रिमूव कर दिया। फाइनली हमने ये रॉड को वापस ले गए और जो जो पॉजिटिव चार्ज बचा था वो यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको 5 स्टेप में हम समझ सकते हैं। एक न्यूट्रल बॉडी कंसिडर किया, उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, फिर अर्थिंग किया जिससे इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, देन अर्थिंग को रिमूव किया कीपिंग दिस रॉड देयर ओनली, देन उसके बाद रॉड को रिमूव किया, देन चार्ज गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको भी एक एग्जांपल या न्यूमेरिकल से समझते हैं, जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। अ ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज मेटालिक स्फीयर एज शोन। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ग्लास रॉड। ये दो मेटालिक स्फीयर्स हैं जो आपस में जुड़े हैं, आइडेंटिकल हैं। वो कहता है व्हाट विल हैपन इफ, फर्स्ट पॉइंट, स्फीयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड। पहला केस बनाता है जब स्फीयर्स को स्लाइटली सेपरेट कर देते हैं। दूसरे में ग्लास रॉड इज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड, अब ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया गया है। तीसरा केस कहता है अगर स्फीयर्स को कुछ ज़्यादा दूरी पे ले जाएं तो चार्जेस या उसके ऊपर बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे होंगे। तो इसको बड़ी इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव रॉड आया तो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए तो हम पहले एग्जांपल की तरफ चलेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ। स्फीयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड, जैसे ही थोड़ा सा सेपरेट किया, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाया इनके बीच में, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव ने पकड़ के रखा था और इधर पॉजिटिव चार्ज इसके कारण रिपल्शन में था। दूसरे केस में उसने कहा चार्जेस ये मेटालिक स्फीयर्स तो सेपरेटेड है ही है, पर हमने ग्लास रॉड इज रिमूव्ड। अगर ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया है तो क्या होगा, तो आपको पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो नेगेटिव इधर से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव दूसरी तरफ से इधर शिफ्ट हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो गया। अब हम तीसरे चीज की बात करते हैं, द स्फीयर्स आर सेपरेटेड अपार्ट। अब दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब इनका डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दे। अगर इनका डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट खत्म हो जाएगा जिससे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये CBSE का सवाल है जो बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है 3 मार्क्स में। इसके बाद हम अभी तक ये सीखे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ग्रेन ऑफ मास। जोन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसके अंदर कुछ मास का भी गेन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है जितना 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो मास के बिना एग्जिस्ट करे, बट हमारे पास ऐसे मासेस हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन। एक और न्यूमेरिकल से आज का मेथड ऑफ चार्जिंग हम खत्म करेंगे। अ बॉडी इज गिविंग आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, देन इन हाउ मच टाइम इट विल गिव 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज लेके आना है उस बॉडी पे या उससे एग्जिट कराना है तो कितना टाइम चाहिए। हमें पता है चार्ज गिवन आउट बाय बॉडी, एक सेकेंड में चार्ज निकालना, तो कल वाला फार्मूला क्वांटाइजेशन का Q=ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, ये e की वैल्यू हमें पता है, तो हमने चार्ज निकाल लिया कि एक सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है। ये जो दिया था ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, इन्होंने भी चार्ज कैरी करना है, तो हमने चार्ज निकाल लिया। उसके बाद इतना चार्ज जो है वो एक सेकेंड में जा रहा है, तो यूनिटरी मेथड कहता है 1 कूलम चार्ज निकालना है तो वो 6.25 × 10⁻⁹ सेकेंड्स में जाएगा। आज आपने मेथड्स ऑफ चार्जिंग और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में 2 लेक्चर सुन लिए। आज आप अपने NCERT के बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपकी क्वेरीज कल ली जाएंगी।
इसी तरह चैनल वॉच करते रहिए और अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।